मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल का नेम है मीनाक्षी जांगड़ा। आज की वीडियो फिर एक प्रोडक्ट रिव्यू है और ये प्रोडक्ट है एक साड़ी जो मैंने मीशो से परचेज की थी हाल ही में और ये आज मेरे को रिसीव हो गई है। तो देखिए अभी मैं आपके सामने ही इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। तो इसकी पैकिंग या ओपनिंग एरिया ये है, मैं यहाँ से ओपन नहीं करूँगी ताकि स्लिप वगैरह सही रहे अगर बाय चांस प्रोडक्ट सही नए निकले। तो हम अच्छे से इसको यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ ताकि कॉर्नर साड़ी वगैरह है वो कट ना हो। अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो ओपन करते हुए उसका वीडियो जरूर बनाइए ताकि अगर कोई प्रोडक्ट सही ना आए तो चेंज करने में दिक्कत न हो। तो ये हो गया है ओपन। देखिए इसकी सबसे पहले मैं पैकिंग दिखा देती हूँ। पैकिंग बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से पैक करके दिया है और जैसा प्रोडक्ट डिटेल में मैंने इसका डिटेल पढ़ी थी तो इसमें जो फैब्रिक है उन्होंने सॉफ्ट सिल्क बताया है, रनिंग ब्लाउज। ये देखिए यहाँ से ओपन होगा तो देखते हैं ये सब कुछ मिलता है क्या हमें। यहाँ से कुछ धागे वगैरह तो निकल रहे हैं, ये देखिए। चलिए ओपन करते हैं पूरी साड़ी को देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ निकलता है तो वो मैनेज कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से भी देखिए और दोबारा से यहाँ से देखिए। तो साड़ी की फिनिशिंग तो नहीं लग रही मेरे को क्योंकि ये इसका अपर साइड ही है। ओके, तो स्टार्टिंग में ही हमें कुछ पूरा देखा भी नहीं है अभी, तो फिनिशिंग तो नहीं है साड़ी की। ये देखिए जो फैब्रिक शो हो रहा था वैसा ये फैब्रिक मेरे को कुछ लग नहीं रहा है। पूरी साड़ी मैंने ओपन कर ली। ये देखिए ये नीचे का पार्ट है और कुछ इस तरह से ये है डिजाइनिंग। फैब्रिक बिल्कुल इसमें राइट क्या होता, सॉफ्ट सिल्क है, सॉफ्ट है। बट मेरे को बार बार मैं कहूंगी कि मेरे को फिनिशिंग की इसमें कमी लग रही है। इसका जो प्राइस है वो 665। बहुत सारे सेलर्स थे इसमें और मैं मेंशन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना जिस सेलर से मैंने ये परचेज की है। तो इसमें देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल ही फिनिशिंग नहीं दिखाई दे रही, तो फिनिशिंग के नाम पे तो जीरो है। अगर ऐसी फिनिशिंग है फ्रंट साइड तो कैसे हम रख पाएंगे, आप खुद देखिए। और जो फैब्रिक इसमें शो हो रहा था ये बिल्कुल वैसा मेरे को नहीं लगा। तो ऐसे करके देखिए बिल्कुल ही पतला फैब्रिक है, सिल्क है, सॉफ्ट है, बट बिल्कुल ये हल्की क्वालिटी है फैब्रिक की। ओके, और इसके पल्लू की बात करते हैं तो पहले पल्लू देख लेते हैं। ये इसका पल्लू है, ये देखिए अगेन
पूरी ही साड़ी में ऐसे धागे निकले हुए हैं, और ये यहाँ पे टसल्स दिखाए हुए हैं, पर डिटेल में ये राइट किया हुआ था टसल्स नहीं मिलेंगे, तो ठीक है वो राइट किया हुआ था टसल्स नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साड़ी में फिनिशिंग की कमी है बहुत ज़्यादा। और अगर फिनिशिंग नहीं होती, मतलब फिनिशिंग होती तो शायद मैं रख भी लेती। और ये इसकी है बैक साइड, तो देखिए बैक साइड ठीक है, बट फ्रंट साइड में अगर फिनिशिंग नहीं है तो इस साड़ी को रख के मैं क्या करूंगी। ये बैक साइड आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, अगर ये धागा है और अगर मैं इसको यहाँ से निकालूं तो देखिए निकल सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की फिनिशिंग बैक साइड है। और रही बात इसके ब्लाउज की, लंबाई ओके लग रही है मेरे को इसके। देखिए ये यहाँ पे इतना जो ये है, ये ब्लाउज के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, और जो ब्लाउज का फैब्रिक था जैसा उसमें लिखा हुआ था रनिंग ब्लाउज है, ठीक है, बट इसका भी फैब्रिक बहुत ही लो क्वालिटी का है, पूरा अगर शो हो पा रहा है देख रहे हैं आप, देख सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही लो क्वालिटी का ये जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को सही नहीं लगी साड़ी, क्योंकि ये ब्लाउज का है, देखिए यहाँ से आपको ये पट्टी दी हुई है जो बाजू पे आप अटैच कर सकते हैं, और फिर साड़ी का जो इतना ये एरिया है तो ये प्लेन है, ठीक है, तो इतना ये साड़ी का प्लेन मिलेगा ये, और उसके बाद यहाँ से डिजाइनिंग ये स्टार्ट होती है। तो ऑल ओवर मेरे को ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर फैब्रिक की बात करें तो ओके ही है, जो सिल्क थोड़ा लो क्वालिटी वाला सिल्क होता है ना, कुछ इस टाइप का है। ब्लाउज का फैब्रिक भी बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है, और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, तो इस तरह की फिनिशिंग पूरे ही ऐसे बॉक्स में जगह जगह पे मैंने आपको दिखाई है, इवन एक जगह पे नहीं है, ये देखिए यहाँ पे भी। तो ऑल ओवर इसका रिव्यू आपको दे दिया मैंने, इसका प्रोडक्ट का कोड वगैरह मैं मेंशन कर दूंगी, फिर भी अगर आप परचेज करना चाहें तो एक बार देख लें, जिस सेलर से मैंने ली है तो आप देख के लें, क्योंकि टाइम की वेस्टेज है ऐसे तो। फिर वो जो फैब्रिक है ये देखिए बिल्कुल ही लो क्वालिटी वाली सिल्क है, ये दिखाई दे रहा है ये लाइनिंग, तो कुछ मतलब मेरे को इस साड़ी में को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इसको साड़ी को रिटर्न करूंगी, और देखते हैं फिर दोबारा कौन सी साड़ी मैं मंगवाती हूँ, तो उसका भी रिव्यू मैं आपको मेंशन करूंगी। रिटर्न मीशो में हो जाती है, अभी तक ऐसा इशू नहीं हुआ मेरे साथ कि रिटर्न में दिक्कत आई हो, रिटर्न हो जाता है। अगर मैं अभी रिक्वेस्ट डालूंगी तो कल तक इसको रिसीव करने के लिए आ जाएंगे। इस साड़ी का रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि इस साड़ी को मैं रिटर्न करूंगी, फिर अगेन मैं और साड़ी मंगवाऊंगी, अगर उसका भी रिव्यू पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। Oh, 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 oh